का उत्तम ऑर्गेनिक ग्रीन फार्म में हार्दिक स्वागत, जैसे हर बार की तरह आज भी कर रहे हैं। हर संडे को यहाँ हम पूरा अपना समय देते हैं कि फार्म पे क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, फसल जो लगे हैं वो अच्छा रहे, कि हमारे यहाँ के जितने जो चौधरी साहब हमारे हैं यहाँ फार्म के इंचार्ज हैं, पूरी खेती इन्हीं के देख रेख में होती है कि कोई इनको प्रॉब्लम ना हो, कीड़ों का अटैक ना हो, कहीं पानी की असुविधा ना हो। ये सब हम लोग हर हफ्ते देखते रहते हैं और लगातार एक नए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑर्गेनिक खेती को इतना आगे बढ़ाया जाए और इससे आय हमारी भी बढ़े। जब हमारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारे साथ चौधरी साहब हैं, शाही जी हैं और लोग हैं, यादव जी हैं, सबकी बढ़ेगी। तो आज हम लोग यहाँ के हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार हैं प्रदीप जी, जो आए हुए हैं, तो हम सोचे कि इनको भी यहाँ बुला के फार्म का एक विजिट कराया जाए, कि ये भी लोगों में रोज़ मिलते जुलते रहते हैं, इस चीज़ को लोगों में बांटेंगे कि किसानों की आय जब बढ़ेगी तो हमारा देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, और जब देश मजबूत होगा तो सारे लोग मजबूत रहेंगे। आज सबसे पहले अपना देश है, जब देश के बारे में सोचा जाएगा तो सबसे पहले किसान ही याद आएंगे, कि किसान खुशहाल करें और देश को मजबूत करें। और आज जैसे देखिए गोभी का एक फूल है, हम ये प्रदीप जी को आज गिफ्ट दे रहे हैं पहला फूल। और प्रदीप जी अभी हाथ लगाएं कि ऑर्गेनिक गोभी है और इसको आपको निकाल के दिया जा रहा है, लीजिए प्रदीप जी, ये खाएं और इसका टेस्ट आप सभी लोगों में बताएं और कैसा महसूस आपको यहाँ हो रहा है आके, इस पे भी दो शब्द आप बोलें प्रदीप जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने इस ऐसे क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती का कार्य शुरू किया है। यहाँ लोग ऑर्गेनिक को बहुत पिछड़ा मानते थे, लोगों को लगता था कि इससे ना आय हो सकती है ना फसल लगाया जा सकता है, लेकिन आप इस 6 एकड़ के ज़मीन में आप जो सबसे बंजर क्षेत्र माना जाता था इसको आपने डेवलप किया है और इतना बृहद रूप से आप कारोबार कर रहा है खेती का, ये बहुत अच्छी बात है और आप इससे लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नई विधा, नई तरीका शुरू किया है खेती का जिससे लाभ होगा, इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद प्रदीप जी। और फिर हमारे जैसे पिछले हफ्ते बायर कंपनी के सिंह साहब आए हुए थे, वहीं की टूट लगा रहे, इस बारे में फिर आज हमने उनसे आग्रह किया तो अपना बहुमूल्य समय वो निकाल के हमको दिए। हम चाहेंगे दो शब्द आप भी बताएं सिंह साहब, आइए। जो गोभी गोभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि गोभी का फूल इतना बड़ा हम लोग इस बार देखे। जब हम राजू जी के साथ पिछली बार विजिट किए थे पिछले संडे को, तो ये गोभी अभी नहीं देखने को मिल पाया था, तो इस बार बहुत खुशी हुई कि ऑर्गेनिक जो गोभी है बहुत अच्छा कलर भी है, इसका साइज भी अच्छा आ रहा है। इससे पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक की खेती चल रही है यहाँ पे, हम लोग आगे सफल होंगे, क्योंकि जो आने वाले और गोभी के फसल है उसमें भी ऐसा गोभी अब देखने को आगे मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये गोभी है जो भी लोग खरीद के इसको खाएंगे या जो भी यूज करेंगे, इसका स्वाद जो होगा, जो नॉर्मल गोभी है जो पेस्टिसाइड द्वारा पैदा किया जाता है स्प्रे करके, उससे इसका स्वाद अलग रहेगा और स्वादिष्ट रहेगा। और राजू जी को मैं ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत ये आपका जो सराहनीय कदम है, जो इस ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इससे देखी देखा किसान भी अच्छा खेती करेंगे और देश की उन्नति में सबका सहयोग बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। मैं आशुतोष सिंह बाहर से, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जैसे पहले माता पिता का आशीर्वाद, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद और अपने लोगों का साथ, यही मूल मंत्र है कि हर कदम आप आगे बढ़ा पाएंगे। अगर अपने लोगों का साथ ही आपको नहीं मिलेगा तो किसी काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे खेत में जो भी आज हो रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद है ही हमारे साथ, भगवान का भी है और अपने लोगों का साथ खुल के है, खुल के ही होने पे आज ये नतीजा आ रहा है कि इस तरह से गोभी हमारे खेत में, कुछ मदर प्लांट थे तो हम कहे उसको निकाल के आप लोगों को दे दिया जाए, अपने भी खाया जाए और अपने लोगों को खाया जाए कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया होगा। अलग ही टेस्ट इसका ऑर्गेनिक का होता है, मार्केट में जो गोभी मिल रही है और इस गोभी में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। और ये मैसेज हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में, देश में हर किसान के पास जाए। हमारे से मीडिया के भाई भी हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इसको कितना फैलाएं कि हमारा किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और जब देश हमारा खुश रहेगा तो सारे लोग अपने आप खुश रहेंगे और इससे किसान की आय
जो हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं किसान की आय दोगुना करने के लिए, इससे भी हम अपनी किसान की आय दोगुनी क्या ढाई गुनी तीन गुनी कर सकते हैं। और यही निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि कितना अच्छे से अच्छा करके इस क्षेत्र में दिखाएं कि लोगों को एक ये हो कि हाँ कोई आया और इस तरह हमारे क्षेत्र में करके दिखा रहा है और हमारे लोगों का सहयोग हमेशा ऐसे ही बना रहे। भारत माता की जय।